बच्चे अब आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक हिंट दिया था यूजिंग थ्योरम 6.1 तुम्हारा क्या था, तो थेल्स ला या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था, बीपीटी था। लेकिन यहां क्या रहा है मुझे इस क्वेश्चन को थ्योरम 6.2 तुम्हारा क्या है भाई, तो 6.2 आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपसे क्या बोलता है कि जब कोई एक लाइन ट्रेंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, बीपीटी क्या बोलता है कि कोई एक लाइन, मैंने पैरेलल नहीं बोला, जब कोई एक लाइन ट्रेंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, इक्वल रेशियो में बांटेगा, तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। और आपको इसमें यही दिखाना है, क्या दिखाना है इसमें देखो, तो थोड़ा सा इसमें क्या बोल रहा है हम देखते हैं। देखो बोल रहा है कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल, यानी कि कोई एक ट्रेंगल है और उस ट्रेंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो वह लाइन थर्ड साइड का पैरेलल होगा। कोई ट्रेंगल है उस ट्रेंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को, जैसे मान लो मैं फिगर यहां बना दिया ए बी ये सी है, देखो चलो मैंने मान लिया कि ए बी का मिड पॉइंट एक्स है, ए सी का मिड पॉइंट वाई है, तो क्या बोल रहा है देखो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल, मतलब इस ट्रेंगल के इस दोनों साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो यह लाइन क्या होगा थर्ड साइड यानी बी सी का पैरेलल होगा। यानी मुझे यहां क्या दिया भाई, यहां दिया है कि क्या लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल, तो मैंने क्या मान लिया कि लेट और ट्रेंगल ए बी सी भाई मैंने मान लिया एंड एक्स y is the midpoint of sides AB and AC of a triangle respectively। मैं देखो ना मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि इस ट्रेंगल AB के का मिड पॉइंट x है, AC का मिड पॉइंट y है ना, तो मैंने इसको मिला दिया तो एक्स वाई लाइन तुम्हारा आपका बन गया, ठीक है ना। और देखो यहां पे तुमको क्या प्रूफ करना है जी, टू प्रूफ, देखो बच्चे प्रूफ में मुझे क्या करना है कि एक्स वाई विल पैरेलल टू बीसी, मुझे इस लाइन को बीसी का पैरेलल मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, बस ध्यान दो आप समझ सकते हो। तो बच्चे पहले यहां प्रूफ करते हैं भाई, हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो लिखो पहला क्या दिया है x इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो चूंकि x इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, तो बच्चे आप बताओ अगर x मेरा ए बी का मिड पॉइंट है तो यह ax अपान एक्स बी होगा, आप बोलोगे हाँ, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा ax अपान एक्स बी होगा ना। अच्छा बच्चे देखो, बच्चे बताओ क्या हम इसको देखो ना मैं दोनों ओर xb से डिवाइड कर दूंगा, तो ये ax अपान xb बराबर xb अपान xb, xb से xb कट के क्या आ जाएगा 1, तो यानी मुझे यहां से क्या मिल जाएगा ax अपान xb इक्वल टू 1 मिल जाएगा, आप बोलोगे हाँ। तो बच्चे और यहां देखो और सेम यहां लिखो कि चूंकि देखो y तुम्हारा क्या है ac का मिड पॉइंट है, y क्या है इस साइड ac का मिड पॉइंट है, y is the midpoint of side AC of a triangle ABC। देखो भाई ना जो y क्या है साइड AC जो triangle ABC का है उसका मिड पॉइंट है, तो बच्चे आप बताओ अगर y तुम्हारा AC का मिड पॉइंट है तो क्या आपका AY बराबर YC होगा, और अगर AY बराबर YC है तो क्या आप इसको AY अपान YC बराबर 1 लिख सकते हो, आप बोलोगे हाँ भाई क्यों, क्योंकि आप इसमें दोनों ओर YC से डिवाइड कर दिए सेम ऐसे। तो यहां पे बच्चे अब क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, भाई देखो तो 1 बराबर यह दिया हुआ है, 1 बराबर यह दिया हुआ है, तो हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चे तो मुझे क्या मिल जाएगा ax अपान xb, ax अपान इसको ऐसे बनाओ, देखो ax अपान xb बराबर क्या मिलेगा ay अपान yc। तो बच्चे देखो ना आपने यहां पे क्या ला दिया, आपने ला दिया कि यह ax अपान xb बराबर ay अपान yc, और आपको पता है कि यह ax अपान xb बराबर ay अपान yc क्या है, तो यह
ये आपसे कह रहा है कि देखो इस ट्रायंगल के दो दो साइड ए बी और ए सी हैं, वह इस लाइन एक्स वाई के द्वारा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। इक्वल पार्ट मतलब इक्वल रेशियो में यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, या आप इसको ऐसे बोलो कि ना देखो जो यह एक्स वाई लाइन जो है, यह एक्स वाई लाइन ट्रायंगल के साइड ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और आपको 6.2 थ्योरम क्या बोलता है कि जब कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो बच्चे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हेंस बाई कन्वर्स, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। और बच्चे आपको यही क्वेश्चन प्रूव करना था, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा।